इधर शाहजहांपुर में सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना वर्मा से फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को तिहाड़ जेल में बंद नीरज बवाना का शूटर बताया है। रंगदारी मांगने वाले बदमाश ने अर्चना वर्मा के पति राजेश वर्मा को भी फोन कर 10 लाख की रंगदारी मांगी और रंगदारी न देने पर फोन करने वाले ने पति समेत पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी भी दी। रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। और आपको बताएं कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना वर्मा के ससुर राममूर्ति सिंह वर्मा समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके पति राजेश वर्मा ददरौल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे। अर्चना वर्मा पुलिस प्रशासन से परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रही। सुबह कॉल आई थी, मैं करीब 3 बजे करीब कॉल आई तो पुलिस बोला कि आपके हस्बैंड ने फ़ोन काट दिया और हम उनको जान से मार देंगे। तो हमने कहा कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो उसने कुछ नहीं बताया, बोले कि हमें 10 पेटी कल तक चाहिए। तो हमने कहा 10 पेटी क्या मतलब? बोले 10 लाख रुपए चाहिए हमें। फिर वो बार बार में काट दिया फ़ोन, फिर वो बार बार फ़ोन कर रहा कि क्या नाम, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। इसी तरीके से बार बार धमकियाँ 1 घंटे तक फ़ोन कर करके देता रहा। क्या बता रहा था तिहाड़ जेल से बोल रहा था? हाँ वो थोड़ा सा वो दूसरे मोबाइल में, फिर हमने कहा हमारे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही, दूसरे मोबाइल से बात करते हैं, तो जिसमें रिकॉर्डिंग थी उस नंबर से बात करी। तो बोले कि हम नीरज भवाना जने भवानी करके कुछ नाम बताया, तो तिहाड़ जेल से बोल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इधर रामपुर में 4 परिवारों को जान से मारने की धमकी देने वाली चिट्ठी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पत्र लिखने वाले ने खुद को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है। पत्र के ऊपर ISI भी लिखा हुआ है और धमकी भरी चिट्ठियां उर्दू, अरबी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। ये घटना है रामपुर जिले के तहसील शाहबाद के अनवा गाँव की। यहाँ गाँव के कुलदीप ठाकुर के घर के बाहर सुबह सुबह 4 लिफाफे दरवाजे के पास, लिफाफों पर अंग्रेजी और उर्दू का इस्तेमाल किया गया था और कुलदीप ने जब उन चिट्ठियों को जानकार व्यक्ति से पढ़वाया तो उसके होश उड़ गए। ये धमकी भरा पत्र मिलने के बाद चारों परिवारों में दहशत का माहौल है। पुलिस को धमकी भरी इन चिट्ठियों की सूचना दे दी गई है। चिट्ठियों की जांच करने के लिए खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ये चिट्ठी कहां से आई है, इन चिट्ठियों का क्या मकसद है, पुलिस सबकी जांच कर रही है। फिलहाल कुलदीप समेत सभी लोगों के घर के बाहर गार्ड लगा दिए। चिट्ठियों की जांच की जा रही है। धमकी भरी चिट्ठी की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। 4 लोगों के नाम धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई, 4 लोगों को धमकाया गया और दहशत फैली हुई है। इस चिट्ठी से उर्दू में लिखी गई है, आतंकी संगठन से क्या इसका कनेक्शन है, इसकी जांच की जा रही है। खुफिया अधिकारी पहुंच चुके हैं इसकी जांच के लिए। LIU भी जांच कर रही है, खुफिया अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। 4 लोगों के नाम धमकी भरी चिट्ठी उर्दू में। कुलदीप को जो अनवा के रहने वाले हैं थाना साहबाद के, 7 बजे अपने घर के बाहर 4 लिफाफे मिले जो 4 अलग अलग लोगों के नाम से लिखे गए थे, लेकिन लैंग्वेज सेम ही थी और एक ही आदमी द्वारा लिखा हुआ सब लग रहा था। इनकी लैंग्वेज थी और एक ही मजमून था पत्रों का, और जो लिखने वाला ये अपने आप को किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य बता रहा था। इस लेटर के ऊपर ISIS लिखा हुआ था और ये जान से मारने की धमकी दी। इधर फरुखाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपू उर्फ यशपाल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने फरुखाबाद के हजियापुर चौक पहुंच रहा है। इस पर पुलिस और SOG की टीम मौके पर पहुंच गई।
पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसके बाद उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश दीपू पर फर्रुखाबाद, बैनपुरी और कन्नौज में 25 से ज्यादा हत्या, लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। 25,000 का इनामिया और जनपद मैनपुरी के थाना बेवर का एचएस और वहां का टॉप 10 अपराधी दीपू उर्फ यशपाल, इस पे कुल 25 मुकदमे हैं। और जो जनपद कन्नौज से और जनपद फर्रुखाबाद से वांछित चल रहा था, थाना मीरापुर के अंतर्गत जो लूट हुई जिसमें वांछित चल रहा था, उसको आज मुठभेड़ के बाद में थाना शमशाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है। थाना शमशाबाद की टीम, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसी खबर के साथ वक्त एक ब्रेक का। आज की बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय क्वांटम यूनिवर्सिटी, द फ्यूचर इज एक्साइटिंग। आज की बड़ी खबर, आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी, राष्ट्रपति के डिनर फेयरवेल कार्यक्रम में होंगे शामिल। Coming up, presented by Dhoon Group of College, Dehradun, www.dpmc.in. खबर प्रेजेंटेड बाय सुहाना मसाले, सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदलें। गाजियाबाद से गोरखपुर तक, लखीमपुर से ललितपुर तक, यूपी के चप्पे चप्पे की खबर, सत्याग्रह रोज शाम 7 बजे। सत्याग्रह पावर्ड बाय जैसा नाम वैसा काम, मजबूत 500+ TMT स्प्लाई स्प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ, B6 कैप्सूल्स और ट्यूब बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज, को पावर्ड बाय सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, लर्न द वर्ल्ड। शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबा शक्ति STTMT। ए जीरा कंच है ये, राजा जाती सौगात है ये, राजा तकरारा स्वाद बड़ा मीठा, नमकीन कर देगा समा, राजा जीरा कंच। राजा जीरा क्रंच बिस्किट्स, स्वाद ऐसा कि दिल खुशियों से भर जाए। राजा जीरा।
मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी वसा यस्ती मधु पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। उनका स्टील नहीं लगाया तो क्या हो जाए? चार पाँच साल में सीलिंग वीक हो जाएगी, हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरी तुमसे लड़ाई हो जाएगी, टेंशन में जिम आना बंद कर दोगे, बच्चे तुम्हें क्या बोलेंगे बताए, अंकल मुझे क्या बुलाएंगे, आंटी। रूमटा स्टील TMT लगाएंगे। रूमटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। के बाद स्वागत आप सभी का। अगली खबर अमरोहा से। तेंदुए की दहशत है वहां पर। अमरोहा के गजरौला में पक्के पुल के पास तेंदुए को देखा गया है और वहां से गुजर रहे कार सवार युवकों ने तेंदुए का वीडियो भी बना लिया है और अब तेंदुए का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इलाके में तेंदुए के दस्तक से दहशत भी है। गजरौला के गाँव में तेंदुए की दहशत ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वन विभाग ने आसपास के गाँव के लोगों को अलर्ट कर दिया है और तेंदुए को पकड़ने में जुटा हुआ है। तेंदुए की दहशत अमरोहा में वीडियो बनाया युवकों ने, ये देखिए आप। अब इसे वन विभाग पकड़ने में जुटा हुआ है। वीडियो के सामने आने के बाद लोग दहशत में। गजरौला का ये वीडियो, तेंदुए का ये वीडियो युवकों ने बनाया है। अफसर अली हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अफसर, वन विभाग को कोई कामयाबी मिली इस तेंदुए को पकड़ने में अभी तक? देखिए, ये जो गंगा किनारे सटा हुआ बिजनौर और मेरठ का जो बनीय क्षेत्र है वहां पर गंगा किनारे अक्सर जो है तेंदुआ निकलता है, तो आज देर रात जो है नेशनल हाईवे 9 पर ये तेंदुआ दिखाई दिया है। कुछ युवकों ने जो रागी थे उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वन विभाग ने जो है पिंजरे लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक ये तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पिंजरे लगा दिए गए लेकिन तेंदुआ अभी तक का वन विभाग की गिरफ्त में नहीं आया है और इसकी वजह से दहशत है, जैसा कि अफसर अली हमारे संवाददाता बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपको एक खबर बहराइच की दिखाते हैं। यहां उस वक्त खड़कंप मच गया जब गेरुआ नदी में एक टाइगर तैरता हुआ दिखाई दिया। कैलाशपुरी बैराज के पास ये टाइगर तैरता हुआ दिखा। इसका वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया और आशंका जताई जा रही है कि पानी के तेज बहाव से ये टाइगर नेपाल से यहां पर पहुंचा है।